नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रिया जैन, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था एयर प्रूनिंग को लेकर और कोको फाइबर पॉट को लेकर। आज मैं उसी का एक पार्ट और आपके साथ शेयर करती हूँ, और वो है दोस्तों कि किस तरीके से कोको फाइबर वाले पॉट्स में हमारे प्लांट्स की रूट डेवलप होती हैं, और एक नॉर्मल पॉट में सीमेंट पॉट हो या क्ले पॉट हो उसमें हमारे प्लांट की रूट किस तरीके से सर्वाइव करती हैं। आज मैं आपको विद एग्जांपल ये समझाऊंगी, चलिए मेरे साथ देखते हैं उसको। दोस्तों, ये मेरा एक हिबिस्किस का प्लांट है, ये आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, जिसे मैंने अभी अभी इस पॉट से रिपॉट किया है। ये देखिए, मैंने इसे अभी अभी इस पॉट्स में से निकाला है, आप इसकी रूट्स देख सकते हैं। अमूमन क्या होता है कि जब भी हम क्ले पॉट या सीमेंट पॉट यूज़ करते हैं या फिर प्लास्टिक पॉट यूज़ करते हैं, तो हमारे प्लांट में इसी तरीके से रूट बाउंड हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इससे आगे हमारे प्लांट की जड़ें बढ़ेंगी ही नहीं, वो सर्कल में गोल गोल होती जाएंगी और रूट बाउंड होती जाएंगी, और हमारा प्लांट एक टाइम पर ग्रोथ करना बंद कर देता है, या फिर उसे पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार तो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी ना होने के कारण से हमारा प्लांट मरने लगता है। किसी भी पॉट की बात कर लीजिए आप, चाहे क्ले पॉट हो, चाहे सीमेंट पॉट हो, चाहे प्लास्टिक पॉट हो, सब में इसी तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हमारा प्लांट इस तरीके से रूट बाउंड होने लगता है, आप सभी जानते। अब मैं आपको दिखाती हूँ कोको फाइबर पॉट में किस तरीके से रूट डेवलप होती है। ये देखिए, ये मेरा एक कोको फाइबर का पॉट है, ये देखिए अच्छे से। आपने मेरे सनफ्लावर का प्लांट कई उसमें वीडियो में लगा हुआ भी देखा होगा। ये देखिए, आज मैं आपको इसे निकाल कर दिखाऊंगी इसमें से। ये देखिए, मैंने इस प्लांट को इसमें से निकाला, ये देखिए, आप इसकी रूट्स को देखिए। जैसा कि मैंने आपको एयर प्रूनिंग के बारे में बताया था, अब आप इसकी रूट्स को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसमें कहीं भी आपको रूट बाउंड नहीं दिखाई देगा, मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो आप इसकी छोटी छोटी वाइट वाइट सी रूट्स देख रहे हैं, इस तरह से ये रूट डेवलप होती हैं और खुद ही बर्न होने लगती हैं ड्राई एयर से, या फिर है ना गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म हवाओं से या बहुत ज़्यादा सूखी हवाओं से खुद ही मतलब है ना बर्न होने लगती है। आप देखिए, इसमें आपको कहीं भी रूट बॉन्ड की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। ये जो रूट्स हैं, ये पॉट्स की दीवार तक आते आते खुद ही जलने लगती हैं और उसकी जगह नई नई रूट डेवलप होने लगती हैं। ये देखिए, चारों तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसमें कहीं भी रूट बाउंड की प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। ये देखिए, आपको इसकी रूट्स की ग्रोथ एकदम हेल्दी और बहुत अच्छे से दिखाई देगी। आप चारों तरफ से कहीं से भी देख सकते हैं, आप नीचे से भी देख सकते हैं। ये देखिए, आपको कहीं भी इसमें रूट बाउंड की प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। दोस्तों, तो जो मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था कोको फाइबर पॉट को लेकर, कोको फाइबर पॉट हुए, फाइबर पॉट्स हुए, जियो पॉट्स बैग्स हुए, या फिर अपने जो मैंने प्लास्टिक की बाल्टी का एग्जांपल आपके सामने दिया था, जिसमें आप बहुत सारे होल करके पॉट लगा सकते हैं, इस तरीके के पॉट्स में जब भी हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसमें रूट बाउंड की प्रॉब्लम नहीं आती है, हमारा प्लांट बहुत अच्छे से और हेल्दी ग्रोथ करता है। आप इसकी एक बार में ऑर्गेनिक रिच सॉइल बना लीजिए, तो सालों साल जब तक आपका पॉट खराब नहीं होगा तब तक आपका प्लांट बहुत अच्छे से चल सकता है, क्योंकि इसमें रूट बाउंड की प्रॉब्लम आती ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम क्ले पॉट या फिर सीमेंट पॉट या फिर प्लास्टिक पॉट लेते हैं, तो उनमें इस तरह की रूट बाउंड होने से एक टाइम के बाद हमारे प्लांट की ग्रोथ रुकने लगती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, एक तो सबसे बड़ी बात कि ये जो कोको फाइबर पॉट होते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, इनमें वजन बिल्कुल भी नहीं होता है। आजकल अब जो सब लोग टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये लाइट वेट होते हैं, इनमें वजन बिल्कुल नहीं होता, तो आपके टेरेस पर इसका वजन नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, इनमें आपके प्लांट की ग्रोथ सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सब में एक समान चलती है, बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशें होने पर ये वाटर को तुरंत रिटेन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियों में ये भी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इनकी न्यू ग्रोथ होती रहती है,
ऑलमोस्ट 12 मंथ में। बहुत ज़्यादा सर्दियों में भी इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी ही नहीं मांगते। तो दोस्तों सभी तरीके से ये हमारे कोको फाइबर वाले ये पॉट हैं ये बेस्ट होते हैं। कोको फाइबर हुआ, आजकल तो सुंदर सुंदर जियो पॉट्स बैग्स भी, फाइबर पर बैग्स भी बहुत चल गए हैं। उनकी रेट बहुत ज़्यादा होती है बेशक, लेकिन वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले होते हैं। उनमें आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। किसी प्लांट को लाकर लगाएं और उसके बार बार मरने से तो अच्छा है कि हम एक बार में इस तरह के पॉट में अपने प्लांट को लगाएं जिससे वो हेल्दी ग्रोथ कर सके, अच्छे से एयरेशन ले सके, अच्छे से उनकी न्यू रूट डेवलप हो सके, वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी कर सकें, बहुत अच्छे से ग्रोथ भी कर सकें। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे फिर एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों।